अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरी एक प्यारी सी सिस्टर रिदा बाबर ने मुझे कहा है कि मैं छोटी वीडियोस बनाती हूँ, छोटे व्लॉग बनाती हूँ, और मेरे छोटे व्लॉग देख के उनको मेरे व्लॉग्स की समझ नहीं आती। और दूसरा उनका कहना था कि मैं लंबी लंबी वीडियोस बनाऊँ, इस तरह मेरा चैनल आगे जाएगा। तो मेरी प्यारी सी मासूम सी बहन रिदा बाबर, कोई भी चैनल होता है यूट्यूब का, वो ऑडियंस रिटेंशन के ऊपर ग्रो करता है। ऑडियंस रिटेंशन होता है मीन्स, अगर मेरी 5 मिनट की वीडियो है और सब्सक्राइबर ने या व्यूवर ने उसको वॉच किया है 1 मिनट या इससे थोड़ा सा ज़्यादा या 2 मिनट तक, तो ये बहुत लो ऑडियंस रिटेंशन बनता है। कम से कम भी यूट्यूब कहता है कि मेरी वीडियो अगर 5 मिनट की है तो उसको कम से कम 2 से 2.5 मिनट वॉच किया ज़रूर जाना ज़रूर चाहिए। तो इससे यूट्यूब को लगता है कि मेरी वीडियो में थोड़ा दम है। अगर इससे नीचे कोई मेरी वीडियो को वॉच करता है, कम देखता है, तो फिर यूट्यूब को लगता है कि मेरी वीडियो बेकार है और मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ मेरी वीडियो को देखते हैं 1 मिनट, 1 मिनट से भी नीचे या फिर 1.25 मिनट। तो उससे यूट्यूब को लगता है कि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो किसी काम की नहीं है। मैं बोल रही हूँ तो फातिमा ज़ारा कहती मैं भी बोलूँगी। ये फातिमा बैठी पीछे, तो इसीलिए मैं फिर शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, मतलब 5 मिनट के राउंड अबाउट बनाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बनाती और इससे ज़्यादा मेरे चैनल को नुकसान होगा। तो आप लोग पूरी पूरी वीडियोस वॉच किया करें, तो जब मेरा चैनल इंशाल्लाह ग्रो करेगा तो फिर मैं और भी लेंथी वीडियोस बनाऊंगी। और दूसरा, चैनल आगे जाने का एक और तरीका ये भी है कि यूट्यूब किसी भी क्रिएटर को देखता है कि ये सब्र वाला है या नहीं है, ये हार्ड वर्कर है या नहीं है, मतलब ये काम करेगा नहीं करेगा, छुट्टियां तो नहीं करता और हम यूट्यूब के साथ आगे चलेगा या नहीं। क्योंकि यूट्यूब ने ज़ाहिर प्रमोट करना होता है तो वो पहले उस क्रिएटर को देखता है, सालों साल देखता है, उसके बाद कोई एक वीडियो उठा के वायरल कर देता है और बंदा रातों रात वायरल हो जाता है और चैनल चल नहीं पड़ता बल्कि दौड़ पड़ता है। तो आज का मेरा ये पैगाम था मेरी सिस्टर, इंशाल्लाह आपको, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी बेटी फातिमा ज़ारा को अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे लिए दुआएं करें, अपना और अपनों का भी ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।